हेलो दोस्तों, तो ये देखिए लवांग मरीच और यहाँ दालचीनी लहसुन मर्चा और प्याज टमाटर मैंने लिया है। सारा मिक्स करके इसको पीस लेंगे। यहाँ उबाल करने को मैंने केला भी रख दिया है और जीरा भी इसमें पीस लेंगे। तो ये देखिए केला उबल गया है, तो उसको हम सारा मिक्स लेंगे ऐसे ही। इसमें थोड़ा थोड़ा क्लिप हम नहीं दिखा पाए हैं तो उसके लिए सॉरी। और यहाँ देखिए मैंने सारा मसाला पीस के रेडी कर लिया। अब इसमें हम नमक मिक्स कर लेंगे, जो केला हम मिसे थे। अब इसमें हल्दी ऐड कर लेंगे, फिर उसके बाद से 1 चम्मच गरम मसाला। ये अभी हल्दी ही है, थोड़ा और हल्दी डाल लेंगे। इसके बाद से हम 1 चम्मच गरम मसाला डाल लेंगे। ये देखिए ऐसे छोटे छोटे के टुकड़े पानी की बना वजह से लेंगे। और एकदम साफ अब आने इसको हम लगता फ्राई है। करेंगे, तो कढ़ाई में पहले तेल गरम कर लेते हैं। अब इसको हम थोड़ा थोड़ा करके फ्राई कर लेंगे, 4 से 5 पीस डाल के। जब अच्छे से पक जाए तब इसको क्या करना है? अच्छे से कर अच्छा देंगे। ये भीम कर देना भाभी। और डाल दे बस इतना ही हम होने देते हैं। निकाल दिया है ऐसे ही हम सारा बना लेंगे। इसको आप ऐसे ही खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगेगा। इसमें नमक वमक पहले से ही ऐड है। इसमें मसाले में देखिए हम थोड़ा थोड़ा लवंग डाल देंगे। अच्छा उसको डाल देंगे हम, मेथी डालेंगे थोड़ा। वाइन हम मिक्स के डालेंगे और फिर हाँ थोड़ा जीरा ऐड कर देंगे। तो पाएगा कैसे रहेगा? सॉफ्ट हो जाता है, इसलिए इसको लास्ट में डालें। बिना का तो पानी अच्छे से हो जाता है। इसके बाद से आज मैं बात तुरंत गर्म गर्म बैठ के खाइए, बहुत ही टेस्टी लगने वाला है केला का कोफ्ता सब्जी।